नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप OnePlus Nord CE3 मोबाइल में आप किस तरीके से इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपको लॉक लगाने के लिए क्या करना है, सेटिंग में चले जाना है एंड उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा पासवर्ड एंड सिक्योरिटी। तो आपको क्या करना है, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है फिंगरप्रिंट, तो आपको इस पर क्लिक करना है एंड उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपको न्यूमेरिक पैटर्न या अल्फा मेरे किसी एक पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर पैटर्न पे क्लिक करूँगा मैं और एक पैटर्न डाल दूंगा। उसके बाद फिर से कंफर्म करना है एंड उसके बाद यहाँ पर ओके करना है। अब दोस्तों, आपको फिंगर को स्कैन करवाना है। जो आपका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, इसको आपको अपने फिंगर को स्कैन करवा लेना है अच्छी तरीके से। जितना ही अच्छे से आप स्कैन करवाओगे, उतना ही फास्ट आपका फिंगरप्रिंट जो है वो काम करेगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हो, मैं अच्छे से यहाँ पर स्कैन करवा ले रहा हूँ। इसी तरीके से आपको भी यहाँ पर कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए, ये हो चुका है और डन का ऑप्शन भी आ चुका है, तो डन पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, अब आपका जो फिंगरप्रिंट लॉक है वो लग चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए, जैसे ही यहाँ पर हम इसको अनलॉक कर रहे हैं तो यहाँ पर फिंगर मांग रहा है, तो फिंगर देने पर ये अनलॉक हो गया। तो इस तरीके से आप इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हैं।